नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। इसमें कविता की किसी पंक्ति के शब्दों में एक वर्ण दो या अधिक बार या तो शुरू में आता है या अंत में आता है। उदाहरण के तौर पर, सर्दियों का है समा सुहाना, स गरम गरम गाढ़े खोए में घिसी हुई गाजर गलाना, ग होश हवास हवा करने वाला हलवा बनवाना, ह बना के नहीं देखने के लिए हांडी हिलाना, हाथ जलाना, हाय हाय का हल्ला मचाना, और फिर इस सुर्ख रंग के स्वादिष्ट सृजन से सिके नटखट नयन नचाना। तो ये जो कुछ पंक्तियां मैंने यूं ही बातों बातों में रची, इनसे आप अनुप्रास अलंकार से इंट्रोड्यूस तो हो ही गए हैं। अब जरा गहरे उतरते हैं। अनुप्रास अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरज सुवास सरस अनुरागा। ये एक चौपाई के दो पद हैं। पहले पद में पदुम परागा, दूसरे पद में सुरज सुवास सरस अनुरागा, सवर्ण दो से अधिक, इसे वृत्ति अनुप्रास बोलते हैं। ऐसे ही कवि भूषण का कवित्व है, जिसका कि पहला पद है इंद्र जिम जम्ब पर बाढ़ वस्सु अम्ब पर। जिम जम्ब जवर्ण शब्द के प्रारंभ में दो बार आया है। इसी प्रकार जम्ब सुअम्ब भवर्ण शब्द के अंत में दो बार आया है, इसे छेकानुप्रास बोलते हैं। ऐसे ही कविराज भूषण के एक और छंद का एक पद है भूषण अखंड नव खंड महिमंडल में। यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है आधा ण ड अखंड नव खंड महिमंडल तीन बार आ रहे हैं, वृत्यनुप्रास अलंकार है शब्द के अंत में। तो अब आइए दो अलग अलग कवियों की कविताओं के माध्यम से इस अनुप्रास अलंकार की सुंदर संरचना को देखते हैं। ये दो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी और कविराज भूषण। मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है पंचवटी। पंचवटी के पूर्वाभास प्रोलोग के प्रथम पद में ही हमें अनुप्रास जी दर्शन दे जाते हैं। कैसे? पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को। पूज्य पिता अर्थात महाराजा दशरथ, उनके सहज सत्य, बहुत पहले उन्होंने रानी कैकेयी जी को जो वचन दिया था सहजता में, वो अब सत्य हो चला था। अतः सहज सत्य पर वार सुधाम श्री अयोध्या नगरी, धरा धन को, इन सब का त्याग करके चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। पवर्ण से वृत्यनुप्रास अलंकार। सहज सत्य छेकानुप्रास, वार सुधाम धरा धन को, धवर्ण कितनी बार आया बताइएगा। कौन सा अलंकार हुआ, छेकानुप्रास या वृत्यनुप्रास, कमेंट्स में लिखिएगा। इसी पूर्वाभास के अंत में लक्ष्मण जी को सीता माता कह रही हैं, प्यार किया है तुमने केवल सीता कह के मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आईं। यहाँ पर उपमा है, भगवान राम की आंखों को सीप के आकार जैसा बताया गया है और सफल उनमें मोती है, और मोती बड़ा हो जाता है, सीप जो है वो भर करके उसमें से पानी निकलता है, तो भगवान राम की आंखें भर आईं। सफल सीप सी, सवर्ण तीन बार आया है, वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार जब खंड काव्य शुरू होता है तो पहले ही छंद की पहली ही पंक्ति क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण से वृत्यनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब रात का समय है, पर्ण कुटीर के बाहर पहरे पर लक्ष्मण जी तैनात हैं। प्रश्न ये हो रहा है कि ये धीर वीर निर्भीक मना अर्थात लक्ष्मण जी किसके लिए पहरे पर हैं, पर्ण कुटीर में कौन है। तो सीता माता का परिचय देते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मर्त लोक मालिन्य मेटने, म के साथ वृत्यनुप्रास अलंकार, सीता माता का परिचय दिया जा रहा है। इस धरती की गंदगी मालिन्य को हटाने के लिए अपने स्वामी के संग प्रभु श्री राम के साथ, जो कि भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार हैं, साक्षात लक्ष्मी जी विराजी हैं और वो रह रही हैं पर्ण कुटीर में, और इसीलिए उस कुटीर की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। क्योंकि वीर वंश की लाज यही है, भगवान राम के वंश की बात हो रही है और उसकी लाज यानी उनकी बहू, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजम देश है निशाशेष है निशाचरी माया ठहरी। वीर वंश छेकानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास और बहुत सारे अलंकार
आपको मैथिली शरण गुप्त जी के इस कविता में मिल जाएंगे, पंचवटी। समय निकाल के पढ़िएगा अवश्य। अब चलते हैं कविराज भूषण की ओर। शिवा बावनी में से कविराज भूषण का एक घनाक्षरी छंद, जिसे कि मनहरण कवित्त भी कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। चकित चकत चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चित चाह खर कति है। बलक बिलात बिल खात बीजापुर पति, भिरत फिरंगन की नारी थर कत है। थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हरी हवस भूप भीर भर कत है। सिंह शिवराज तेरे धौसा की धुकार सुनी, केते पाप साहन की छाती धर कत है। इसके पहले पद में ही वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार। चकत्ता अर्थात चगताई खान का वंशज औरंगजेब चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर चौंक रहा है। क्यों? शिवाजी महाराज के डर से दिल्ली में दहशत फैल गई है, चित्त हृदय घबरा रहा है। शिवाजी महाराज का डर है, दिल्ली दहशती। छेकानुप्रास अलंकार। बलख बिलात बिल खात बीजापुर पति, ब से वृत्ति अनुप्रास अलंकार। भिरत फिरंगन की नारी फर कत है। भिरत फिरंगन, भ फ वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन उच्चारण का स्थान ओष्ठ होंठ एक ही है, इसको श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बीजापुर पति अर्थात आदिल शाह बिलबिला रहे हैं, बिलख बिलख के रो रहे हैं कि भाई शिवाजी महाराज आ गए, हमें बचाओ। भिरत फिरंगन की नारी फर कत है। नारी यानी नाड़ी, नाभि। नाभि कब फड़कती है? जब डर के मारे आपके शरीर में एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ पर फाइट तो नहीं है, फ्लाइट है, भाग रहे हैं। कौन भाग रहे हैं? फिरंगी। फिरंगी कौन? पुर्तगाली और अंग्रेज। ये दोनों लोग शिवाजी महाराज से बहुत डरते थे। तो अनुप्रास अलंकारों के भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग करके कवि भूषण कहते हैं, चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चित चाह खर कत है। बलक बिलात बिल खात बीजापुर पति, भिरत फिरंगन की नारी भर कत है। थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा। गोलकुंडा यानी आजकल का जो हैदराबाद है, वो जो बड़ा राज्य हुआ करता था, उसके कुतुब शाह वो थर थर कांप रहे हैं। और हरी हबस भूप भीर भर कत है। हबस यानी हबशी, ये शब्द अरबी या फारसी से आता है, और वो भी लैटिन से आता है, एबिसिनियंस। एबिस यानी गहरा, पाताल से निकला। तो उस जमाने के रोम के दक्षिण में जो भूमि थी नॉर्दर्न अफ्रीका, उसके लिए एक टर्म था एबिसिनिया, कि भाई हम इन लोगों को नहीं जानते, हमारे दक्षिण में हैं। तो वहाँ से जो निकले एबिसिनियंस हुए, और वो शब्द जब इधर अरब और फारस में आया तो हबशी हो गया। तो ये हबशी खासतौर से सिद्ध जौहर इत्यादि जो कि भारत आए थे, उनका जिक्र कर रहे हैं कविराज भूषण, कि वो लोग भी हड़क गए हैं शिवाजी महाराज के डर से। हरी हवस भूप भीर भर कत हैं। यहाँ पर भूप यानी वो राजा जो एबिसिनियंस थे सिद्धि, वो भड़क रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। इसके पीछे का इतिहास ये है कि शुरू में ये सब एबिसिनियंस निज़ाम शाही या फिर आदिल शाही या मुगलों के साथ जुड़ गए थे। तो जाहिर सी बात है, शिवाजी महाराज के शत्रु हुए तो शिवाजी महाराज से गुस्सा भी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं। और इन सब के ऊपर कौन? सिंह शिवराज तेरे धौसा की धुकार सुनी, केते पात साहन की छाती धरकत है। ध वर्ण से वृत्ति अनुप्रास अलंकार। धौसा धुकार, छाती धरकत है। धौसा अर्थात वो जो बड़ा नगाड़ा होता था ना, तो जब शिवाजी महाराज और उनके रणबांकुरे लड़ने निकलते थे तो वो बड़ा नगाड़ा बजता था। तो उस नगाड़े की आवाज, धौसा की धुकार, उसको सुन के जितने बादशाह हैं उनकी गिद्दी बन गई है, छाती धरकत है। तो अनुप्रास अलंकार का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण कविराज भूषण की कविता में मिलता है, जिसका एक संक्षेप में हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। इस छंद को जरा फिर से सुन लेते हैं। चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चित चाह खर कत है। बलख बिलात बिल खात बीजापुर पति, भिरत फिरंगन की नारी फर कत है। थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हरी हवस भूप भीर भर कत है। सिंह शिवराज तेरे धौसा की धुकार सुनी, केते पात साहन की छाती धरकत है। कहिए, अनुप्रास अलंकार और उसके कुछ भिन्न प्रकारों का विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें अवश्य बताइएगा। इस कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं, अगली कड़ी में एक नया विषय लेकर पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राम। राधे राधे।